चौथे चरण का चुनाव कल रायबरेली में होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां पूरी तैयार हो रही हैं। ये आईटीआई ग्राउंड है, आईटीआई कॉलेज है, जहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो अन्य लोग हैं, यहीं से पूरा तैयार होकर अपने जो मतदान की सामग्री है उसको लेकर यहाँ से रवाना होंगे। और यहाँ पर जो अपर जिलाधिकारी प्रशासन है अमित कुमार, वो पूरी तरह से यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आरटीओ भी यहां पर है, जो गाड़ियों को लेकर पूरी तरह से है। आइए जानते हैं हमारे साथ एडीएम अमित कुमार जी हैं कि कितने बूथ हैं, क्या तैयारियां हैं और कितने बजे तक पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी। सर, आज रायबरेली की 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें 2001 बूथ हैं, और इन 5 विधानसभाओं के जो 2001 बूथ है उनके कर्मचारी, हर पोलिंग पार्टी में 4 लोग रहेंगे, तो लगभग हमारे पास में 8,000 कर्मचारी हैं जो आज यहाँ से रवाना करेंगे। कुल 436 बसों के द्वारा इनको अपने अपने बूथों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। हर पोलिंग पार्टी का एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये सारी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगी। कितने बजे तक पोलिंग पार्टियां यहां से निकलने की उम्मीद है, क्या तैयारियां हैं, क्या पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जो वीवीपैट मशीन है या जो भी चीजें हैं वो क्या सब पूरा कम्प्लीट है, सबको हैंड ओवर की जा चुकी है या नहीं? जो हमारी FLC के बाद सही मशीनें थी उनका रेंडमाइजेशन के बाद में संबंधित विधानसभाओं को अलॉट की गई हैं, फिर बूथ भी अलॉट हुए हैं, और कमीशनिंग के दौरान जो बेल के इंजीनियर थे इनके द्वारा चेकिंग की गई, जो मशीनें फिर खराब हुई उनको चेंज कर दिया गया है। रिजर्व मशीनें भी हमारे पास में 20% CUVU और 40% हमारे पास में VPAT है। अभी जब दोबारा इन लोग को दिया जाएगा हमारे पीठासीन अधिकारी को, तब भी अगर कोई खराबी आती है तत्काल उसको हम लोग बदलवा देंगे और आयोग को सूचित करेंगे। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कितने बजे रवाना होंगी और कितने बजे तक वो अपने उनके मतदान केंद्र पर पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है? ये इसीलिए व्यवस्था की गई है कि कल हमारे पोलिंग रहेगी, तो आज एन-केन प्रकार उनको पहुंचाना है, लेकिन हम लोग अपने प्रशासनिक कुशलता को दिखाते हुए कोशिश करेंगे कि यहां से सभी पोलिंग पार्टियां 2 बजे तक रवाना हो जाएं, और प्रथम हम लोग का ये रहेगा वहां 5 बजे तक पहुंच जाए जो लास्ट पार्टी हो, फिर हम उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि सारी पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं, और जब पहुंच जाएंगी तो उसके बाद उनको वहां पर जो उनकी धनराशि है उसका वितरण होगा, वहां पे खाने की व्यवस्था की गई है, उनके रुकने की जो अपने सामान लाए हैं उसकी व्यवस्था की गई है, और कल सुबह 5:30 बजे मॉक पोलिंग होगी, इसलिए सबको आज शाम को हम लोग 5 बजे तक हर हालत में उनके बूथों तक पहुंचाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की क्या सुविधाएं हैं? सुरक्षा व्यवस्था के रूप में हमारे पास में 50 कंपनी CPF की है, 22 हमारी जो है SAP जो स्टेट आर्म फोर्स होता है उसकी है, तो इस प्रकार से हमारे पास में लगभग 17,000 टोटल फोर्सेज हैं। हम लोगों ने हर बूथ को क्रिटिकल मानते हुए ही सिक्योर किया है। इनर कॉर्डन में हमारे जो है CPF है और आउटर कॉर्डन में हमारे जो स्टेट आर्म फोर्सेज रहेंगी वो रहेंगी। अति संवेदनशील कितने केंद्रों को चिन्हित किया गया? जो हम लोगों ने प्राथमिक रूप से जब चिन्हित किया था तो उसकी संख्या 43 थी, जिसको हमारे रिटर्निंग ऑफिसर या कहीं उप जिला मजिस्ट्रेट लोगों ने उन सबके खिलाफ कार्रवाई करके सिक्योर किया, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। अब हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं है कि किसी को कोई मतदान करने में कोई रोका टाकी करेगा। सर, एक बात और, चूंकि अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें जो मशीनें खराब हो गई, घंटों घंटों जो है वो मतदान रुका रहा, तो इसके लिए क्या सजगता है, क्या तैयारियां हैं? हाँ, इंसिडेंट्स की जो होती है उसकी तैयारियों के लिए ही इस प्रकार की चेकिंग की जाती है कि कम से कम दिक्कतें आए। ये भी है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम लोग उसको तत्काल दूर करेंगे। हमारे पास रिजर्व जो मशीनें रहेंगी हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, हमारे ROs के पास में रहेंगी, विद इन 5 मिनट कहीं पर भी अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसको बदलने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ इंजीनियर्स और मास्टर ट्रेनर भी लगातार भ्रमण करते रहेंगे, कोई छोटी मोटी कमी आएगी उसको दूर कर दिया जाएगा, और ऐसी कोई कमी आती है जिसमें चेंज करने की आवश्यकता होगी उसको हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ अमित कुमार जी थे, जो यहाँ पर ADM भी है और जो निर्वाचन अधिकारी भी है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पोलिंग पार्टियां 2 बजे के बाद रवाना हो जाएंगी, और जो मशीनों की रही बात, मशीनें जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं, इंजीनियर भी है, छोटी मोटी कमियों को इंजीनियर दूर कर देंगे, बाकी अगर कोई खराब होता है तो 5 मिनट के अंदर मशीनों को तैयार कर दिया जाएगा, मतदान के समय कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। पंकज सिंह, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।